नमस्कार साथियों, आज हम सामाजिक व राजनीतिक दर्शन के आधुनिकता टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वर्तमान का जो युग है वो वैज्ञानिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए जाने वाले विकास के रूप में प्रसिद्ध है। यह समय है प्रौद्योगिकी के चरम विकास का और यह जो प्रगति है ये किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो छोटे से छोटा क्षेत्र हो, चाहे कोई वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक किसी रीति रिवाज का क्षेत्र हो, आप प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रौद्योगिकी के विकास को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह विकास, यह आधुनिकता, यह प्रौद्योगिकी, यह वैज्ञानिक सोच मानवीय विचारों में और मानवीय चेतना में सभी स्थानों पर आपको स्पष्टतः परिलक्षित होती है। हमारे रहन सहन, हमारे विचारों के आदान प्रदान के ढंग और उनके साधनों में भी यह प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। अब इन सभी कारणों से हमारे जीवन में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, जो रहने का, जो विचार करने का, देखने का और जीवन जीने का जो परिवर्तन इस प्रौद्योगिकी के कारण आया है, उस परिवर्तन को किस ढंग से देखा जाए और इन परिवर्तनों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका मूल्यांकन करने के लिए समाज दर्शन को महत्वपूर्ण योगदान देने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज दर्शन का यह सबसे प्रमुख कार्य है कि हमारे जीवन में जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी परिवर्तनों का वो मूल्यांकन करें। इन परिवर्तनों के आधारों की खोज करें और इनके महत्व को जानने का प्रयास किया जाए और न केवल इन परिवर्तनों को वो मूल्यांकन करें, उससे चाहिए कि इनके बीच एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। जो पुरातन व्यवस्था है, जो नई परिवर्तित होकर आ रही एक व्यवस्था है, इनके बीच एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण लाने का प्रयास करें। दृष्टिकोण के आधार पर आज प्रत्येक मनुष्य आधुनिक विचारधारा को समर्थन देता है, आधुनिकता को महत्व देता है, ऐसे विचारों को महत्व देता है, पुरातन वस्तुओं को छोड़ना चाहता है जो रूढ़ियां बन गई हैं, और नए नए मूल्यों को अपनाने का प्रयास कर रहा है, नए नए आदर्शों को अपना रहा है। प्रत्येक मनुष्य आज शिक्षा क्षेत्र में भी तकनीकी शिक्षा के महत्व को अपनाने का समर्थन करता है और उस आधुनिक व्यवस्था के प्रचार और प्रसार को भी महत्व देने का प्रयास करता है।
इससे शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति आ रही है, उसके भी नए नए ढंग। जैसे अगर हम बात करें वर्तमान की, तो अभी वर्तमान में जो ऑनलाइन शिक्षा का जो प्रभाव देखने को मिला है, ऑनलाइन शिक्षा की जो आवश्यकता हमें दिखाई पड़ी है, ये सभी उसी परिवर्तन के अंतर्गत है। तो शिक्षा का जो प्रचार है उस तकनीकी शिक्षा के आधारों पर, कि मनुष्य अधिक से अधिक तकनीकी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सके। आज साधारण से साधारण व्यक्ति को भी इतनी तकनीकी ज्ञान होना चाहिए कि वो अपने अपने लेसन्स मोबाइल पर बना सके, कंप्यूटर पर बना सके, लैपटॉप पर बना सके और अपने विद्यार्थियों तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचा सके। तो ये तकनीकी ज्ञान उसे होना आवश्यक है, ये उसी परिवर्तन का ही एक रूप है। अतः गांव से शहर और लघु कुटीर उद्योगों से बड़े बड़े कल कारखानों की ओर और धर्म की अंधता से धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ना आधुनिकता है। नगरीकरण का विस्तार, छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनके स्थानों पर बड़े बड़े कल कारखाने और धर्म आधारित अंधकार से जीवन जीने से हटकर व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष जीवन के प्रकाश की ओर आए, इसे ही आधुनिकता माना गया है। फिर आधुनिकता और वैज्ञानिक चिंतन का बड़ा ही स्पष्ट संबंध है, क्योंकि आधुनिकता की विशेष जो उल्लेखनीय बातें हैं, यानी जो आधुनिकता को विशेषता प्रदान करती है या आधुनिकता के जो मूल हैं आधार, उसमें विज्ञान का बहुत महत्व है। विज्ञान ना हो तो आधुनिकता नहीं, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक चिंतन के अभाव में आधुनिकता की स्थापना संभव ही नहीं है। क्योंकि आप पुरातन रूढ़ियों को, पुरातन धर्मांधता को और पुरानी व्यवस्थाओं को तभी छोड़ पाएंगे जब आप एक वैज्ञानिक चिंतन लेके आगे बढ़ोगे। यदि आप वैज्ञानिक चिंतन आपके साथ नहीं होगा तो आप आधुनिकता की ओर नहीं जा सकते, आप उनमें परिवर्तन ला ही नहीं सकते जीवन में, ना अपने एग्रीकल्चर में, ना आप कल कारखानों की स्थापना कर पाएंगे। आप उन्हीं पुरातन तरीकों से कुटीर उद्योगों को चलाते रहेंगे, आप उन्हीं पुरातन ढंग से विचारों को और धार्मिक उन्मादों को स्वीकार करते चले जाओगे। लेकिन आप अगर उनसे छूटना चाहते हैं, आप उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप में एक वैज्ञानिक चिंतन, एक वैज्ञानिक सोच होना आवश्यक है। उसके बिना आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। तो स्पष्ट है कि आधुनिकता की जो विशेष बातें हैं, आधुनिकता के जो मूल हैं, उसमें वैज्ञानिक चिंतन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उसी वैज्ञानिक चिंतन से हम आधुनिकता की स्थापना कर सकते हैं। अब हम बात करें कि आधुनिकता शब्द का अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति का क्या तरीका है। तो आधुनिकता शब्द जो हिंदी का है वो आधुनिक से बना है। तो स्पष्ट है कि आधुनिकता शब्द आधुनिक से बना है। अब इसे अंग्रेजी में आधुनिकता को मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न। और मॉडर्न शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश के मोडो शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है प्रचलन, यानी कि वर्तमान में जिसका चलन हो या अधिक लोगों में जिसका चलन हो वो प्रचलन। तो आधुनिकता का तात्पर्य यह है कि इस समय अधिकतम लोगों में चलन क्या है, इस वक्त अधिकतम लोग क्या स्वीकार कर रहे हैं, यही प्रचलन है। तो इस प्रकार जो वर्तमान युग में प्रचलित है उसे आधुनिक का नाम दिया जाता है, जो अद्यतन है, जो इस समय है, जो वर्तमान में है, वो जो कुछ भी प्रचलित है उसे आधुनिकता का नाम दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो जिस पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि
आप आधुनिकता को किसी व्यक्ति पर लाद नहीं सकते, आप उसको थोप नहीं सकते कि भाई अब ये चलन है, आपको ऐसा करना है। नहीं, ये व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनाया जाता है। आधुनिकता जो है वो मनुष्य पर आधारित है, सभी मनुष्य द्वारा ग्रहण किया गया स्वयं के द्वारा, वो आधुनिकता है। आप सभी को अगर हरे रंग की टोपी पहनने का आदेश दे दो तो ये प्रचलन नहीं होगा। आप हो सकता है कि पूरे अपने राज्य में एक आदेश जारी कर दो कि आज से सभी लोग हरी टोपी पहनेंगे, तो ये प्रचलन नहीं है। प्रचलन व्यक्ति द्वारा स्वयं किया जाता है, यानी वह व्यक्ति पर आधारित है कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस प्रकार से विचारों को, वस्तुओं को, आदतों को, संस्कृति को, प्रभाव को, किसी चीज को भी किस प्रकार से ले रहे हैं, वो होती है आधुनिकता। आप किसी आदेश द्वारा जो जारी कर दें वो आधुनिकता नहीं मानी जा सकती। आज हम इतनी ही बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।